हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं प्रदीप सर फिर आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पोर्शन लेक्चर नंबर 9 में। बेटा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एक हेडिंग चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का लास्ट पोर्शन मैं आज लोगों के साथ लेके आया हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद कोलराउस लॉ एंड मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कोलराउस लॉ को समझने से पहले अगर मैं इससे पीछे वाला पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, लेमडा एम में वेरिएशन, लेमडा एम में वेरिएशन विद डाइल्यूशन, लेमडा एम पोलर कंडक्टिविटी में जैसे जैसे अपन उसमें वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी। तो डाइल्यूशन के साथ आपने इसे पीछे वाली क्लास में बताया था कपा डिक्रीज हुआ। यदि आप क्लास कल वाली मिस कर रहे हैं तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके पीछे वाली क्लास देखिए, कपा डिक्रीज हुआ था, क्यों डिक्रीज हुआ था कल बता दिया था, और लेमडा एम इंक्रीज हुआ था, क्यों इंक्रीज हुआ था उसका रीजन आपको दे दिया था। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी, मतलब एक स्ट्रेट फॉर्म में ये कर्व बनेगा, या फिर ये एक डेफिनेट पॉइंट पे जाके क्या होगा, सेचुरेशन पॉइंट पे चला जाएगा। क्या पूछा मैंने कि आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, सपोज ये लेमडा एम है, ये वॉल्यूम है, आप इंक्रीज कर रहे हो और ये वॉल्यूम के साथ साथ क्या हो रहा है, लेमडा एम इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लेमडा एम है वो वॉल्यूम के साथ क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है और एक डेफिनेट पॉइंट पे जाके क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू पे चला जाता है। क्या बोलोगे, कंफर्म है? फर्स्ट कंडीशन नहीं हो सकती उसमें, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता जाएगा, एक डेफिनेट वॉल्यूम पे जाके क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को, एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे जाके कॉन्स्टेंट हो जाता है वो। तो मोलर कंडक्टिविटी की जो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है, जिसको हम कहते हैं द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज अप्रोचेज जीरो, कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं अपन किससे, लैम्डा एम नॉट से, यानी कांस्टेंट वैल्यू अपन पहुंच जाएंगे कब, जब मैक्सिमम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर चुके हैं। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट जो आ रही है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की, उसके बाद उसमें वॉल्यूम में कितना भी चेंज किया जाए, वॉल्यूम में कितना भी चेंज किया जाए उसमें फर्दर चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट ही क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। क्लियर है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ के लिए एक वर्ड और किया जाता है, वो कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है, एवरी आयन या ईच आयन प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और व्हेन द कंसंट्रेशन इज अप्रोचेस जीरो, ईच आयन्स 100% कंट्रीब्यूट, 100% कंट्रीब्यूट इन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी आयन्स वहां पे अवेलेबल होते हैं वो 100% कंट्रीब्यूशन करते हैं, 100% कंट्रीब्यूशन करने से क्या होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाती है। ये 100% कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, सपोज जब कोई गिवन इलेक्ट्रोलाइट हमें दे, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, उस इलेक्ट्रोलाइट में वॉल्यूम काफी कम रखा हुआ हमने, तो अवेलेबल जो कैटायंस और एनायंस होंगे उन कैटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन कंफर्म हो रही है। कैटायन और एनायन की इंटरेक्शन को जनरली हम ये मान सकते हैं कि जैसे वो इंटरेक्शन का मतलब या तो कैटायन कैटायन या एनायन एनायन में रिपल्सिव फोर्स हो रहा हो, या ऑपोजिट आयन से एक दूसरे को क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये इंटरेक्शन है। उस इंटरेक्शन में कोई भी आयन क्या नहीं कर पाया, फ्रीली माइग्रेट नहीं कर पाया। ये बात कल भी चल रही थी कि जहां आयन्स फ्रीली माइग्रेट करते हैं, जहां आयन की वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाती है, उस केस में क्या होता है, कपा या मोलर कंडक्ट एंड कपा एंड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, राइज होती है। तो जब वॉल्यूम क्या होता है, काफी कम होता है, तो आयन्स क्या नहीं कर पाए, फ्रीली माइग्रेट नहीं कर पा रहे। बट हमने अभी क्या किया कि इसमें हम ले गए उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो होगी, उस केस में क्या होता है कि आयन्स जितने आयन्स होते हैं वो इतने दूर दूर हो जाते हैं कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है। तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, इसलिए आयन क्या कर पाए, फ्रीली माइग्रेट कर पाए,
तो फ्रीली माइग्रेट कर पाए, इसलिए जो कोल्डाउस लाउस के लिए एक वर्ड और बोला जाता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है वहां पे। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होने से हर आयन क्या करेगा, चार्ज को कैरी करने में इन्वॉल्व होगा, और जब वो चार्ज को कैरी करने में इन्वॉल्व होगा तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कहां चले जाते हैं, अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे या लिमिट या पीक पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन जीरो होने से, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने से ये फर्क पड़ेगा इस पे। तो कोल्डाउस ने इसको क्या बोला है कि 100 उस केस में क्या होता है, इसको उसने मैथमेटिकली, कोल्डाउस ने इसको मैथमेटिकली बोला है, एक तो ये वर्ड उसने बोल दिया, और उसने लिखा है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। जितने आयन वहां पे अवेलेबल होते हैं उन सभी आयंस की कंडक्टिविटी के सम की फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं सम की फॉर्म में। तो कोल्डाउस लॉ या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों बातें समझ में आएगी। दो बातें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और कोल्डाउस ने क्या बोला था। कोल्डाउस ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस, ये लैम्डा प्लस किसको शो कर रहा है यहां पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। ये एक इंडिविजुअल कैटायन की क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई, मल्टीप्लाई म्यू प्लस, लैम्डा प्लस मल्टीप्लाई बाय म्यू प्लस, या म्यू प्लस किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ टोटल कैटायंस, उस सॉल्यूशन में जितने भी कैटायंस होते हैं उन सब का नंबर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई, ये क्या है, इंडिविजुअल कैटायन की कंडक्टिविटी हो गई, ये क्या हो गया, टोटल कैटायंस का नंबर हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टोटल अवेलेबल कैटायंस की कंडक्टिविटी आ गई है। देन प्लस सिमिलरली लैम्डा म्यू माइनस एंड म्यू माइनस, यहां सिमिलरली आप बता सकते हो कि म्यू माइनस क्या है और लैम्डा माइनस क्या है, सेम बता सकते हो। जैसे ये क्या था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये भी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और ये म्यू माइनस क्या हो गया, नंबर ऑफ एनायंस हो गया। इन सबको अपन मल्टीप्लाई, तो ये कोल्डाउस लॉ का क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसने बोला था 100% कंट्रीब्यूशन ऑफ आयंस प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन द कंडक्टिविटी, देयरफॉर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अटेन्स देयर मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, देयर इज नो फर्दर चेंज विद डाइल्यूशन इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ओके, छोटा सा, और इस पे डेफिनेट इक्वेशन इसी टाइप से आया, जैसे मैंने कल वाली हेडिंग बताया कि आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन के साथ यूनिट और डिपेंडेंस पूछे थे, वैसे इसमें भी एक सिंपल इक्वेशन बनता है, एक्सप्लेन कोल्डाउस लॉ विद लिमिट इन टर्म ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसमें मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो कंडक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दो ऑपरेटर हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। अब आप पर्सन पूछोगे कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये लॉजिक क्यों बना, तो देखिए एक बार मैं वापस अपना जो ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर है, देन 1/ρ इज इक्वल टू 1/RL/A, क्लियर है, 1/ρ मीन्स क्या हो गया, कंडक्टिविटी कपा, 1/RL/A। इस क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हैं बेटा, इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूले से आप ये क्लियर हो गया कि कपा यदि हमें सॉल्यूशन का फाइंड करना है, सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी यदि हमें फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होता है। अब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो सॉल्यूशन का व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करवाया जाता है वो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर होता कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आप फिजिक्स में पढ़ते रहते हो, पढ़ा होगा या पढ़ लोगे आप, व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल क्या होती है, फोर आर्म्स होती हैं,
ये फोर आर्म्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। फोर आर्म्स पे क्या होते हैं, फोर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वायर होंगे। ये चार फोर आर्म्स में क्या है, फोर रेजिस्टेंस है उसमें, दोनों ये नल पॉइंट से कनेक्टेड हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये फोर आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर, ये क्या हो गया, ये फोर अननोन फोर रेजिस्टेंस है, उसमें से एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चाहे वो आर वन हो चाहे आर टू, एक इसमें क्या अननोन है। सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसमें आर टू क्या अननोन है, तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर। क्लियर है, आर टू को मैं अननोन कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, आर वन इंटू आर फोर डिवाइडेड बाय आर थ्री। ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं एक बार अपन, इस इक्वेशन वन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो वायर्स के रेस्पेक्ट में हो गया। अब बात चल रही कि हमें यहां कंडक्टिविटी सॉल्यूशंस के लिए होती है, वो कैसे मेजर किया जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्लस इसमें हमें यूज करना होता है किसका, कंडक्टिविटी सेल का। कंडक्टिविटी सेल भी चाहिए होता है अपने को, वो जो कंडक्टिविटी सेल होगा एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होंगे। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या है, हैविंग लेंथ एल, एल लेंथ के दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए, दोनों का सेपरेशन ए से हो गया। कल वाला लॉजिक यदि आपको ध्यान है तो समझ लो एल और ए क्यों ले रहा हूं मैं यहां पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस बंदे ने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पिछले वाली क्लास में देखे होंगे उनको पता चला कि भैया एल और ए का लॉजिक क्या है। इनके बीच में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया है, एक सॉल्यूशन फिलअप किया है, उस सॉल्यूशन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एक आर्म होगी आर टू की जगह, उसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, उसको हम कनेक्ट करेंगे कंडक्टिविटी सेल से। ये कंडक्टिविटी सेल हो गया जिसमें अननोन इलेक्ट्रोलाइट फिलअप है। अब इस इक्वेशन वन से दोनों को सेटअप कर दिया, इक्वेशन वन से क्या निकलेगा, इक्वेशन वन से हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन वो अननोन रेजिस्टेंस अब किसका होगा, इस सॉल्यूशन का होगा जो इस कंटेनर इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर भरा हुआ है। क्लियर है, आर टू आया। यहां जो इक्वेशन हमारे पास जो बनी हुई है इक्वेशन नंबर टू देख रहे हैं आप लोग, इस इक्वेशन वन से आर की वैल्यू आ गई, आर किसका आएगा, सॉल्यूशन का आर आ गया। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि एल और ए ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उसके एक आर्म से हमने कनेक्ट कर दिया उस सॉल्यूशन को, तो यहां जो आर टू आएगा इस इक्वेशन वन से वो सॉल्यूशन का है, उस आर टू की वैल्यू को इस आर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एल और ए क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स और सेपरेशन वो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो कैपेबिलिटी नहीं अपन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और क्या है कि ये जो इक्वेशन टू है उसमें कपा इज इक्वल टू वन अपॉन आर, ये एल और ए जो है, एल और ए का रेशियो है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स और सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड का जो रेशियो है उसको हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू कंसिडर कर ले जी स्टार। यहां जी स्टार क्या होता है बेटा, जी स्टार को बोला जाता है यहां सेल कॉन्स्टेंट। अब सेल कॉन्स्टेंट हो गया, यानी मैंने कहा एल और ए कॉन्स्टेंट है जो ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब प्रश्न ये आता है आपके एनसीईआरटी में दिया है कि ये जी स्टार कैसे फिक्स्ड किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो अब याद कीजिए, जो हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, एस एच ई के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। एस एच ई में क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमने एस एच ई और एक गिवन इलेक्ट्रोड को पेयर करके हमने क्या बनाया था, गैल्वेनिक सेल बनाया था। उस गैल्वेनिक सेल का जो सेल पोटेंशियल आया था वही क्या बन गया था, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन गया था। पीछे वाली कुछ क्लासेज याद कीजिए जब हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे।
तो वहां पे SHC का जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जीरो था, तो वो वैल्यू जब जीरो हो गई तो वह जो सेल पोटेंशियल आया था उसमें वही क्या हो गया था, गिवन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो गया था। ये क्लास आपको याद आ रही होगी शायद। तो यहाँ पे क्या है कि जो जी स्टार है वो कैसे मेजर किया जाता है, जैसे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHC की हेल्प से कैलकुलेट किया गया, SHC के रेस्पेक्ट में जीरो माना और उसको कंसिडर किया और उसको कैलकुलेट किया, मेजर किया। यहाँ पे जी स्टार भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है जी स्टार को, क्या किया जाता है, जी स्टार इज डिटरमाइंड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब जिसका कंडक्टिविटी हमें क्या होती है, पहले से पता होती है। जिसकी कंडक्टिविटी पहले से पता है तो क्या फॉर्मूला बना, जी स्टार इज इक्वल टू कपा इनटू आर। जब आप किसी कंडक्टिविटी सेल के लिए, ये कंडक्टिविटी सेल है, इसके लिए आप जी स्टार फिक्स करना चाहोगे, एल और ए को बार बार मेजर करना कन्वीनियंट नहीं है, बार बार उसको मेजर नहीं कर सकते, तो जब उसको हम कॉन्स्टेंट करना चाहते हैं, उसको फिक्स्ड करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जी स्टार इज इक्वल टू कपा इनटू आर। कपा कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हमने सपोज ये भी तो मैंने क्या था अननोन, यहाँ पे भी मैंने क्या डाल रखा था अननोन इलेक्ट्रोड डाल रखा था, अब अननोन इलेक्ट्रोड की जगह मैंने क्या डाल दिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl, KCl इसमें ऐड कर दिया। अब KCl वो सॉल्यूशन है जिसका कंडक्टिविटी हमें पहले से पता है, कंडक्टिविटी पहले से पता है, आर इसमें हमारे पास क्या हो गया, आर हमने इसमें इससे कैलकुलेट कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, जी स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जी स्टार बार बार हमें मेजर नहीं करना पड़ता है। तो मेरा ये बहुत दो छोटी सी हेडिंग थी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कोलराउस लॉ विद या इन रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये हो गया हाउ टू मेजर्ड। ये एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, जनरली पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन आप ये जो फॉर्मूला है इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं जी स्टार पे। अभी अपन आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्या करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूले, यहाँ जी स्टार यूनिट आप बता सकते हो क्या है, या तो डायरेक्ट बता सकते हो एल अपॉन ए से बता सकते हो, तो क्या आएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है इस फॉर्मूले से, ये एल ए, या फिर ये कपा इंटू आर से करोगे तो कपा की क्या होता है सीमेंस मीटर इनवर्स, और ये क्या है आर क्या है ओम इनवर्स है, तो सीमेंस और ओम कैंसिल होके, ठीक है। तो ये कल नेक्स्ट क्लास में अपन इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे।